बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर। एंड टुडे इज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बिहेवियरल फाइनेंस। और बिहेवियरल फाइनेंस बहुत ही उभरता हुआ जो है हमारे पास टॉपिक है, और इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी हो चुकी है। रिसेंट स्टडीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड साइकोलॉजी ऑफ द इन्वेस्टर बिफोर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। सो हम लोग जो है इस सब्जेक्ट, वैसे तो ये एक पूरा सब्जेक्ट है, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू हैव सम इंट्रोडक्शन अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड सम थ्योरीज दैट व्हाट आर द फैक्टर्स चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। सो इसके स्पेलिंग में BHAVIOUR से भी हो सकते हैं और VIOR से भी आप इसको स्पेल कर सकते हो। सो बिहेवियरल फाइनेंस की डेफिनेशन, इट इज द स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजी ऑन द बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट। कैसे जो है वो साइकोलॉजी जो है वो चेंज होती है, साइकोलॉजी का इफेक्ट देखा जाता है बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर्स पे, फाइनेंशियल एनालिस्ट पे, और कई ऐसे फैक्टर्स को हम लोग देखते हैं जो इस बिहेवियर को चेंज करती हैं और या इस बिहेवियर के बारे में अंडरस्टैंड। क्योंकि मार्केट को हम लोग जब देखते हैं, मार्केट इज़ अ परफेक्ट वन। मैंने आपको एफिशिएंसी, मार्केट एफिशिएंट के बारे में थ्योरीज बताई थी, लेकिन जब हम लोग बिहेवियरल फाइनेंस में आते हैं तो ट्रेडिशनल फाइनेंस जो है वो यहाँ पर आके थोड़ी सी नाकाम हो जाती है, क्योंकि मार्केट समटाइम ऐसा बिहेव नहीं कर रही होती जिस तरह थ्योरी बता रही होती है। तो उस सूरत में कोई ना कोई चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। बेसिकली ये वो चीज़ें होती हैं जो साइकोलॉजी पे इम्फेक्ट कर रही होती हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट के, इन्वेस्टर्स के। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द सब्सिक्वेंट इफेक्ट ऑन द मार्केट, जो आपका बिहेवियर है उसकी वजह से मार्केट के, ये बिहेवियरल फाइनेंस में वो भी टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं जो आपके बिहेवियर के चेंज होने के बाद, इन्वेस्टर के बिहेवियर के चेंज होने के बाद, फाइनेंशियल एनालिस्ट के बिहेवियर के चेंज होने के बाद मार्केट किस तरह चेंज होती है उसके ऊपर जो इफेक्ट आते हैं साइकोलॉजी के, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। इट फोकसेस ऑन द फैक्ट दैट इन्वेस्टर्स आर नॉट ऑलवेज रैशनल, ये भी हम आगे जाके देखेंगे। रैशनैलिटी होती है मेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। सो समटाइम इट इज़ ट्रू दैट इन्वेस्टर्स आर नॉट मेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ रैशनैलिटी, बट देर आर सम बायसेस इन्वॉल्व, सम पर्सनल बायसेस, सम प्रोफेशनल बायसेस आर इन्वॉल्व इन दैट, have limits to their self-control. Sometimes they have self-control, sometimes they don't have self-control while investing in the market and are influenced by their own biases. So ye biases ki maine baat ki, to ye jo hai behavioral finance ke andar kafi zyada discuss hoti hain aisi cheeze. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद सम थ्योरीज, हम लोगों को थोड़ा सा देखना चाहिए कि ट्रेडिशनल फाइनेंस क्या थ्योराइज करती है, उसके अंदर क्या अजम्पशंस होती हैं। तो हमें बिहेवियरल फाइनेंस की थ्योरी को समझने के लिए ट्रेडिशनल फाइनेंस की थ्योरी को समझना ज़रूरी है। तो ट्रेडिशनल फाइनेंस में कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जो इंक्लूड होते हैं कि बोथ द मार्केट एंड इन्वेस्टर्स आर परफेक्टली रैशनल। रैशनल मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक दे मेक डिसीजंस, और मार्केट भी रैशनल होती है और इन्वेस्टर्स भी रैशनल होते हैं। दे मेक डिसीजंस, द डिसीजन इन द मार्केट आर बेस्ड ऑन गुड सेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। द इन्वेस्टर ट्रूली केयर अबाउट यूटिलिटेरियन करेक्टरिस्टिक्स, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन ऑफ द यूटिलिटी बढ़ाना के इंक्रीज सेटिस्फैक्शन और सेल्फ एफिशिएंसी ऑफ ऑल अराउंड एंड ऑफ द इन्वेस्टर। द इन्वेस्टर हैव परफेक्ट सेल्फ कंट्रोल, दे हैव सेल्फ कंट्रोल, उसकी ही वजह से मार्केट के जो है ट्रेडिशनल फाइनेंस की थ्योरीज बनती हैं। दे आर नॉट कन्फ्यूज बाई कॉग्निटिव एरर्स। नाउ कॉग्निटिव इज द लाइक आपकी थिंकिंग पे बेस करते हैं। एवरी पर्सन हैज हिज ओन सब्जेक्टिव रियलिटी और ही मेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ दोज सब्जेक्टिव रियलिटीज। सो व्हाट इज दिस, कि हर बंदे की एक अपनी सब्जेक्टिव रियलिटी है, उसके मुताबिक उसने डिसीजन मेकिंग करनी है। लेकिन जब
हम फाइनेंस की ट्रेडिशनल फाइनेंस की बात करते हैं तो समटाइम्स हम लोग कहते हैं कि ये इसके अंदर को कॉग्निटिव एरर्स नहीं हो सकते, लेकिन हमारी हर एक बंदे की जो सब्जेक्टिव रियलिटी है उसकी जो थिंकिंग है मे कॉज सम एरर एज वेल। सो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एरर के आप लोगों को सबको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है मार्केट में वो इक्वल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग जो है हर इंडिविजुअल की सेम है। हर इंडिविजुअल जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, इंफॉर्मेशन से जो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है वो सेम है, और उसकी वजह से कोई एरर्स नहीं है मार्केट में, जबकि ये थोड़ी सी चीज़ें ठीक नहीं है। लाइक हर बंदा जो है इंफॉर्मेशन को अपनी सब्जेक्टिव रियलिटी के मुताबिक प्रोसेस करता है और उसके बाद उसके कंक्लूजन खुद से ड्रॉ करता है, और इसमें समटाइम्स हम लोग रैशनैलिटी से भी दूर चले जाते हैं, गुड सेंस से भी दूर चले जाते हैं। लेकिन दीज आर द सर्टन थ्योरीज, ये कुछ अजम्पशन हैं जो ट्रेडिशनल फाइनेंस की बात कर रहे हैं। जब हम बिहेवियरल फाइनेंस में आते हैं तो हम इसके जो चीज़ें हैं उसको ट्रेडिशनल फाइनेंशियल थ्योरी से थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। अब इसके अंदर थोड़ी सी बात करें तो इन्वेस्टर्स आर ट्रीटेड एज नॉर्मल नॉट रैशनल। रैशनैलिटी, गुड सेंस, sometimes they make decision on the basis of good sense, sometimes they are not critically thinking, there may be some heuristics, some available heuristics, availability of heuristics का मतलब है probability sometimes हम, for example मैं यहाँ पे एक example quote करता हूँ, heuristics होता है कि एक educated guess, sometimes हम लोग कुछ tradition की base पर decision करते हैं, कुछ educated guess की base पर डिसीजन करते हैं, रैशनैलिटी नहीं होती उसके अंदर, हमारी बायसनेस आ जाती है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी इवेंट के साथ बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी असाइन कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक पर्सन जिसका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ तो वो शायद गाड़ी बहुत आराम से चला ले, और दूसरा पर्सन जो उसने बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट फेस किए हैं तो वो जब गाड़ी चलाएगा तो उसकी गाड़ी चलाने में एहतियात डिफरेंट होगी उस बंदे से जिसकी एहतियात जो है। इसको एक और तरह से मैं आपको समझा सकता हूँ कि अगर हमने जिस तरह एयरप्लेन क्रैश के बहुत ज़्यादा वीडियो टेप्स देखी हों तो उसके बाद अगर हमें टिकट मिल जाए और हमें एरोप्लेन पे सफ़र करने का मौका मिल जाए तो हम लोग जब उस पर जाएंगे तो हमारा जहन डिफरेंट होगा, हम क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एयर क्रैश की वीडियोज़ देख चुके हैं तो अब हमारे दिल में एक किस्म का डर होगा। हमारे अगेंस्ट एक वो बंदा जो बिल्कुल नहीं उसने देखी एयर क्रैश की वीडियोस, उसको बिल्कुल नहीं पता इन चीज़ों का, बल्कि बस वो इस वजह से वो एक्साइटेड होगा कि उसको जहाज़ का सफ़र करने को मिल रहा है और उसके जहन में कोई ऐसी टेंशन नहीं होगी। तो ये एक किस्म की, एक ये इंसान को एक किस्म के नॉर्मल की तरफ के वो किस तरह अपने आसपास की सिचुएशन से उसका जहन जो है वो शेप होता है, तो वो रैशनल नहीं, वो नॉर्मल इंसान की एक निशानदेही होती है। तो ये यहाँ पर बता रहा है बिहेवियर हर इंसान का डिफरेंट है और नॉर्मल है। रैशनल का मतलब है गुड्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग की बेस के ऊपर थिंकिंग अबाउट थिंकिंग के बाद जो है रैशनली विद गुड सेंस जो है डिसीजन मेकिंग करें, ठीक है, तो फिर वो रैशनल कहलाता है, सही डिसीजन कहलाता है। तो वो रैशनल बेसिकली समटाइम इंसान या इन्वेस्टर्स जो है वो नहीं होते, दे एक्चुअली हैव लिमिटेड limits to their self-control. ये भी एक किस्म का सच है कि sometimes they have a control on their situation, sometimes they don't have control on the situation. Investment में भी ऐसे ही है कि sometimes you have self-control, you are taking a situation where you think the market is going to reverse, sometimes you think the market is going down और वो नीचे ही जाएगी, तो you lost your self-control and you try to sell your stocks, ठीक है, और you take good decisions, sometimes suggest हो रहा है experts से कि stock को ना बेचें और आप उस time पर अपना self control खो दें और आप अपने stock को बेच दें। तो investors जो हैं उनके limits होती हैं उनके self control में sometimes. Investors are influenced by their own biases, personal biases होती हैं, पसंद नापसंद होती है, और market के अंदर भी ऐसे ही चलता है के दे हैव सर्टन नेगेटिविटी बायस होता है, बहुत आम बायस है ये नेगेटिविटी बायस ऐसा होता है कि जिसके अंदर हम लोग ये देखते रहते हैं कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा
ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, इसको नेगेटिविटी बायस कहते हैं। समटाइम हर्ड बिहेवियर मार्केट में देखा जाता है कि इन्वेस्टर जब देखता है कि सारे लोग बेच रहे हैं तो वो भी साथ अपना स्टॉक बेच देता है, तो इसको हर्ड बिहेवियर कहा जाता है। जब वो देखता है कि एक स्टॉक बहुत लोग खरीद रहे हैं तो वो भी वो स्टॉक जो है वो खरीदना शुरू कर देता है, तो ये कहलाता है हर्ड बिहेवियर। तो ये बायसेस होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इन्वेस्टर के डिसीजन मेकिंग को, और इन्वेस्टर में कॉग्निटिव एरर्स, अपनी एक रियलिटी और अपने ज़ेहन के मुताबिक अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक वो गलत डिसीजन भी कर सकता है एंड कैन लीड टू द रॉन्ग डिसीजन। तो ये मैं आपको बता रहा था बिहेवियरल फाइनेंस की थ्योरी कितनी डिफरेंट है ट्रेडिशनल फाइनेंस की थ्योरी से। सो थ्योरी पे जाने से पहले थोड़ा सा इन्वेस्टर्स की टाइप को, बहुत इजी है इन्वेस्टर्स की टाइप, बिकॉज मार्केट्स बिहेवियर इज इम्पैक्टेड एंड डिटरमिंड बाय हाउ इंडिविजुअल परसीव दैट बिहेवियर। इन्वेस्टर साइकोलॉजी एंड सेंटिमेंट आर फंडामेंटल टू वेदर द मार्केट विल रेज और फॉल। ये एक किस्म की साइकोलॉजी होती है इन्वेस्टर की वजह से, और उसमें हम लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स के बिहेवियर होते हैं, इन्वेस्टर की साइकोलॉजी होती है, और मार्केट की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो क्या होती है बढ़ती है या कम होती है। तो इन्वेस्टर की साइकोलॉजी डिपेंड करती है कुछ इन्वेस्टर्स की टाइप पे। दे आर बेसिकली मेनली फाइव टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स: बुल इन्वेस्टर, बेयर इन्वेस्टर, सेवर, स्पेकुलेटर्स एंड स्पेशलिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेवर्स की। हु आर सेवर्स? सेवर्स आर दोज पीपल हु स्पेंड द मेजोरिटी ऑफ देयर लाइफ स्लोली ग्रोइंग देयर नेस्ट एग इन ऑर्डर टू इंश्योर अ कंफर्टेबल रिटायरमेंट, लाइक पब्लिक सेक्टर की जॉब, सिक्योर, सेफ एट द रिटायरमेंट यू गेट द पेंशन। और बहुत ही सिंपल है इन्वेस्टमेंट है, और लाइक यू कैन हैव सम इन्वेस्टमेंट इन अ बैंक सेविंग अकाउंट, और यू कैन हैव सम इंश्योरेंस पॉलिसी एंड दिस काइंड ऑफ। ये इन्वेस्टर्स जो होते हैं इनकी कोशिश नहीं होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएँ, ज़्यादा जल्दी रिटर्न कमाएँ, ये छोटे से थोड़े से रिटर्न पर भी गुजारा कर सकते हैं। कि इनकी प्राइमरी जो स्ट्रेटजी होती है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को नॉन कोरिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब कोई घर बना लिया रेंट पे दे लिए, उसके अलावा सेविंग अकाउंट्स में रखवा दिए पैसे, नेशनल सेविंग स्कीम्स में रखवा दिए पैसे, इंश्योरेंस खरीद ली, इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स करके। तो फिर उनको क्या होता है कि आराम से वो थोड़ा थोड़ा रिटर्न लेकर अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार लेते हैं। दीज आर द सेवर्स। स्पेकुलेटर जो होते हैं ये सेवर्स नहीं होते, ये जो हैं दे डिसाइड टू कंट्रोल देयर इन्वेस्टमेंट, वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहे। सेवर्स होते हैं टाइम गुजारते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, टाइम के साथ साथ उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है, कंपाउंड होती जाती है। यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फ्यूचर वैल्यू इज कंपाउंडिंग, एंड कंपाउंडिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। सो आपकी इन्वेस्टमेंट में ऐड होता जाता है और वो फर्दर आपके जो है अमाउंट कंपाउंड होती जाती है। लेकिन जो स्पेकुलेटर्स हैं वो कंपाउंडिंग में ऐसा सच बिलीव नहीं करते, वो टाइम पे बेसिकली बिलीव नहीं करते, वो रिलाई नहीं करते टाइम पे। वो कोशिश करते हैं कि वो हाई रिटर्न कमाएं और शॉर्ट टाइम पीरियड में कमाएं। वो बैठते हैं मार्केट में, वो खरीद के स्टॉक बैठ जाते हैं मार्केट, जैसे ही स्टॉक ऊपर जाता है वो बेचते हैं, फिर नया स्टॉक खरीद लेते हैं। इस तरह वो जो है वो स्पेकुलेट करते हैं और ज़्यादा रिटर्न्स कमाने की कोशिश करते हैं कम टाइम के अंदर, तो वो स्पेकुलेटर्स कहलाते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं बुल इन्वेस्टर्स। मार्केट के अंदर दोनों किस्म के इन्वेस्टर्स होंगे तब मार्केट चलेगी। बुल इन्वेस्टर्स एंड बेयर इन्वेस्टर्स, दोनों इन्वेस्टर्स होना ज़रूरी हैं, फिर खरीदो फरोख जो है वो चलती है मार्केट के अंदर। तो बुल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो ये सोचते हैं कि पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होनी है फ्यूचर के अंदर, तो वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि आज खरीद लिया जाए ताकि फ्यूचर के अंदर जब प्राइस उसकी ऊपर जाएगी सिक्योरिटी की, हम उस टाइम पर उसको रीसेल कर देंगे और एक अच्छा पैसा कमा लेंगे। तो ये जो है बुल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। बेयर इन्वेस्टर्स जो हैं वो सोचते हैं कि प्राइसेस जो हैं फ्यूचर के अंदर
नीचे जाएंगी और ये इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सो व्हाट हैपेंड इज वो आज की तारीख में बेच देते हैं स्टॉक और ये सोचते हैं जब फ्यूचर में इसी स्टॉक की कीमत नीचे जाएगी तो जो उनका सेटिस्फैक्ट्री लेवल है, जो उनका रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ पर वो सोचते हैं सपोर्ट लेवल है, एक सपोर्ट लेवल रखा होता है। लेट्स से एक सिक्योरिटी की कीमत है, पर शेयर उसकी कीमत है 30 रुपये और बेयर इन्वेस्टर ने एक एस्टिमेशन लगाई है, एक सपोर्ट लेवल बनाया है जिसमें वो कहते हैं कि 20 रुपये तक इसने नीचे जाना है। तो वो क्या करते हैं आज की तारीख में स्टॉक को बेचते हैं 30 रुपये में और जब वो नीचे जाता है, लेट्स से उनकी एक्सपेक्टेशन ठीक है, वो सपोर्ट लेवल तक जाता है 20 रुपये तक, तो उस पर वो उस स्टॉक को दोबारा से ख़रीद लेते हैं। अब ये सपोर्ट लेवल का मतलब है कि इससे नीचे इसकी प्राइस ने नहीं जाना। लेट्स से ये उनकी बात ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा अगेन वो 35-36 पे उन्होंने कोई रेजिस्टेंस लेवल बताया बनाया होगा और वहाँ पर जाके वो दोबारा स्टॉक को बेचेंगे ताकि फ्यूचर में वो दोबारा से उसको ख़रीद सकें। सो दीज आर द बेयर इन्वेस्टर्स। इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं लॉस के, हो सकता है प्राइसेस ना गिरें फ्यूचर में, कंटिन्यूस ना गिरती रहें, हो सके वो बढ़ना शुरू हो जाएं तो इन्वेस्टर्स को इसमें लॉस भी हो सकता है किस्म का, बेयर इन्वेस्टर्स को। तो बुल इन्वेस्टर्स एंड बेयर इन्वेस्टर्स, स्पेशलिस्ट जो हैं दे बिलीव के ये सोचते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है दिस इज़ एजुकेशन थिंग and they are so experienced, they understand things, they understand every move in the market, wo usko predict kar sakte hain, they think that they can find a better intrinsic value of a stock than other people, so these people are specialists. To specialists jo hain basically wo ek investment area pakad lete hain aur us investing area mein wo apne aap ko expert bana lete hain. Assets like paper assets, stocks, bonds, real estate, real assets में चले जाएँ, उसके अलावा forex market में होते हैं लोग, वो बड़े specialist होते हैं brokers, these are the specialist people who understand the market, so these are the people who has some education and experience in the market, so they think that the success is on the basis of education and their experience, not by luck or not by chance. So these people are these type of investors are specialists. So these are the types of investors. Now we come towards there are many theories in behavioral finance, so we are going to put light on some of them. So these are the four theories which we are going to discuss today. Prospect theory, regret theory, anchoring over and under reaction. So prospect theory, Tversky and Kahneman developed this theory on showing that how people manage their risk. So उन्होंने क्या explain किया था human behavior को कि वो किस तरह risk को असेस करते हैं अंडर सर्टेनिटी, लेकिन उसके बिहेवियर पे बेसिकली उनका फोकस था। तो लोगों के बिहेवियर के ऊपर उन्होंने बात की थी कि वो मुख्तलिफ सिचुएशन में एक ही सिचुएशन में डिफरेंटली रिस्पोंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज़ अ प्रेजेंटेड इन अ कॉन्टेक्स ऑफ अ लॉस और अ गेन, कि किस कॉन्टेक्स्ट में उनके सामने इंफॉर्मेशन आ रही है। से इक्वलेंट सिचुएशन है लेकिन उनको किस कॉन्टेक्स्ट में पता लग रहा है, लॉस के कॉन्टेक्स्ट में पता लग रहा है और गेन के कॉन्टेक्स्ट में पता लग रहा है। तो इन्वेस्टर क्या बिहेव करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, इन्वेस्टर आर रिस्क हेजिटेंट, मतलब रिस्क लेने से वो हिचकिचाते हैं व्हेन चेजिंग गेन्स, जब उन्हें गेन्स उन्होंने कमाना हो पैसा, जब उनका फोकस कमाने की तरफ हो, गेन्स की तरफ हो, बट बिकम रिस्क लवर्स व्हेन ट्राइंग टू अवॉइड अ लॉस, जब वो लॉस को अवॉइड करें तो उस सूरत में वो रिस्क लवर्स बन जाते हैं। ठीक है, सो इट्स लाइक रिस्क लवर्स, आई कैन से दैट लाइक दिस इज जस्ट लाइक अ गेम, अगर आप पार कर गए तो आप जीत गए, आप अगले मरहले में चले जाएंगे, अदरवाइज अगर आप गिर गए तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप जो हैं वो रिस्क लवर, आप
सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको पार करने की कोशिश करते हैं, रिस्क लेते हैं, ताकि आप एक जो हारने का लॉस है उसको अवॉइड कर सकें। ठीक है, सो यू बिकम रिस्क लवर्स। ये तो एक जर्नल एग्जांपल थी, इसकी जो प्रॉपर एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं। आपको दो सिचुएशंस दी जाती हैं, सिचुएशन वन जो है उसके अंदर आपके पास जो है सिचुएशन टू, ये कोई क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट, सिचुएशन टू वन पार्ट एंड सिचुएशन टू सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आपको दो सिचुएशंस दी जाती हैं, ये दोनों सिचुएशंस आप अवेल कर सकते हो। तो पहली सिचुएशन है कि अश्योर गेन ऑफ 2000, कि आपको एक इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर आपको यकीनन जो है वो 2000 रुपीज़ जो है वो गेन होगा। और दूसरी सिचुएशन है इसी इन्वेस्टमेंट क्लास में एक इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर आपको टोटल 2000 का गेन होगा। दूसरी इन्वेस्टमेंट है सेम सिचुएशन में जिसमें 25% चांस है कि आपको 1000 रुपीज़ गेन होगा और 75% चांस है कि आप कुछ भी गेन नहीं करोगे। अब आप इन दोनों में से चूज करें, आप क्या चूज करेंगे? तो डेफिनेट सी बात है दैट यू विल चूज द ए पार्ट, श्योर गेन ऑफ 2000। ठीक है, इवन के अगर आपको सेकंड सिचुएशन में 1000 के बजाय 3000 का भी गेन हो रहा होता चांस, लेकिन 25% चांस, तो फिर भी आप सोचते कि नहीं, श्योर गेन 2000 का है तो मैं 2000 का ही गेन चूज करूंगा। सिचुएशन टू आ जाती है आपके पास कि आपको यकीन है कि इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपको लॉस ही लॉस है 7500 रुपीज़ का, लेकिन दूसरी सिचुएशन है कि आपके पास 75% चांस है कि आपको 10000 का लॉस होगा, लेकिन 25% चांस है कि आप कुछ भी लूज ना करें। नो यू विल बी एबल टू टेक अ चांस, अब श्योर लॉस तो कोई नहीं करवाएगा ना कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ। हालांकि दूसरी सिचुएशन में यू हैव 75% चांस कि आप 10000 लूज करेंगे, 2500 मोर देन 7500, लेकिन फिर भी यू विल प्रेफर दिस, यू विल बिकम रिस्क लवर इन दिस सिचुएशन बिकॉज यू आर गोइंग टू अवॉइड द लॉस, अवॉइड द कन्फर्म लॉस ऑफ 7500। इसमें 25% चांसेस हैं कि आप कुछ भी लूज ना करें, आपकी इन्वेस्टमेंट वैसे ही रहे। तो दिस इज द थिंग कि आप जब अब आपने जब लॉस को अवॉइड करना है, यू विल बिकम रिस्क लवर, एंड वेन यू नो देर इज अ गेन देन यू हेजिटेंट टू टेक अ रिस्क। अब आप दूसरी पहली सिचुएशन में आप रिस्क नहीं लेंगे, दूसरी सिचुएशन में आप रिस्क लेना पसंद करेंगे। तो लार्ज मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है चूज ए इन सिचुएशन टू एंड बी इन सिचुएशन टू के सेकेंड पार्ट में आप बी को चूज करेंगे। इन फर्स्ट सिचुएशन द श्योर गेन ऑफ 2000 सीम्स मोर अट्रैक्टिव, वेयर एज इन सेकेंड सिचुएशन द श्योर लॉस इट रिपेलेंट, आप श्योर लॉस तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंड चांस टू लूज नथिंग इंड्यूस अ प्रेफरेंस फॉर टेकिंग रिस्क। फिर आपको ये इंड्यूस करेगा कि अगर आप हो सकता है कि आप कुछ भी लॉस ना करें तो 25% चांसेस तो हैं उसमें, तो आप यू विल बी विलिंग टू टेक अ रिस्क इन दैट सिचुएशन। तो दिस इज द थ्योरी, प्रॉस्पेक्ट थ्योरी, कि इन टाइम ऑफ गेन यू प्रेफर गेन एंड अवॉइड टेकिंग रिस्क, बट वेन देर इज अ सिचुएशन वेर यू हैव टू अवॉइड लॉस यू आर विलिंग टू टेक रिस्क दैट यू वुड अवॉइड दैट लॉस। सो रिग्रेट थ्योरी, एंड रिग्रेट थ्योरी मीन्स इमोशनल रिएक्शन ऑफ हैविंग मेड एन एरर ऑफ जजमेंट, हाउ वी रिएक्ट to errors, we want to avoid them, wrong judgment in investments, wrong judgment in selecting a product, this made us do some bad decision as well, matlab hum aise sochna ki hamara ye decision galat hoga to hum wo decision nahi lete। फ्यूचर में जाके अगर वो पॉजिटिव साबित हो या वो अच्छा डिसीजन साबित हो और हमने वो डिसीजन नहीं लिया, लाइक मेकिंग अ रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। अब कोई बंदा ये कहे कि 10 साल पहले मैंने अगर इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होता तो आज इस प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पे जा चुकी है, लाइक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, और आज जो वैल्यू गोल्ड की है तो मैंने साल पहले ऑयल प्राइसेस को देखा और मैंने कहा जी ऑयल में इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए,
ठीक है, ऑयल प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, गोल्ड की वैल्यू जो है वो कम हो सकती है। सो मैंने साल पहले डिसीजन कर लिया, मैंने ऑयल रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट कर दी जबकि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। अब गोल्ड की प्राइस इतनी आगे बढ़ गई है और ऑयल की प्राइस एकदम बहुत नीचे चली गई है। सो दिस आर द रिएक्शंस, दिस आर जजमेंट्स, और हो सकता है गलत हो, आप उसका इमोशनल रिएक्शन क्या होगा ये इन्वेस्टर के बिहेवियर को चेंज कर देता है और मजीद जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो उनको भी इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टर अवॉइड सेलिंग स्टॉक दैट हैव गॉन डाउन। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि आपने एक स्टॉक खरीदा 100 रुपीज़ का, अब वो 80 रुपीज़ पे आ गया, यू विल नॉट सेल इट। वाई यू विल नॉट सेल इट? जब स्टॉक की प्राइस नीचे जाती है मोस्टली इन्वेस्टर जो है वो अवॉइड करते हैं कि उसको सेल करें। क्यों? क्योंकि वो उस रिग्रेट से बचना चाहते हैं। वो ये सोचते जाते हैं कि ये प्राइस में बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, ये इंक्रीज होगा, एटलीस्ट ये उस लेवल तक चला जाए जहां तक मेरी इन्वेस्टमेंट उससे थोड़ा बढ़ जाए तो मैं इसे बेच दूं। ऐसा क्यों करते हैं वो? क्यों नहीं बेचते उसको जब उसकी कीमत नीचे जा रही होती है? कई इन्वेस्टर्स जो हैं वो हेजिटेंट फील करते हैं कि जब स्टॉक की प्राइसेस नीचे जा रही होती हैं वो बेचते नहीं हैं। एक तो उनको रिग्रेट होता है कि उन्होंने एक बैड इन्वेस्टमेंट कर दी है। दूसरा, एम्बेरसमेंट ऑफ रिपोर्टिंग अ लॉस टू फेलो इन्वेस्टर्स के एक लॉस उसने बेयर किया है इसके ऊपर। सो दिस इज द सिचुएशन। यहाँ पर इन्वेस्टर जो है हो सकता है कि वो सारा ही पैसा अपना गंवा दें उस इन्वेस्टमेंट में और वो स्टॉक सेल ना करे। समटाइम्स सम पीपल आर इन्वेस्टिंग ऑन मार्जिन, तो एक लेवल से नीचे चला जाए तो वैसे ही मार्जिन कॉल आ जाती है, और मार्जिन कॉल के ऊपर अगर आप मार्जिन कॉल को रिपोर्ट ना करो तो वो ब्रोकर जो है आपका स्टॉक टोटली वैनिश्ड हो जाता है मार्केट से, जीरो टोटल लॉस ऑन एन इन्वेस्टमेंट हो जाती है अगर मार्जिनल इन्वेस्टमेंट की हुई है मार्केट के अंदर। एंड दे फाइंड इट इजियर टू फॉलो द क्राउड, वेरी इजी। एक और इमोशनल रिएक्शन है कि इन्वेस्टर क्या करता है वो बहुत आसान होता है उसके लिए कि वो पूरे क्राउड को, हर्ड बिहेवियर की शुरू में मैंने आपको बात की थी कि अगर वो सारे लोग बेच रहे हैं तो साथ वो भी बेच देगा, अगर लॉस हुआ है तो सबके साथ हुआ है तो इतना कोई उसे एम्बेरसमेंट फील नहीं होगी। बाय द पॉपुलर और एंड बाय अ पॉपुलर स्टॉक इफ इट सब्सिक्वेंटली गो डाउन, अगर वो नीचे चले जाता है, इट कैन बी रैशनलाइज एज एवरी वन एल्स ओन्ड इट। आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो, ये किस ये रिग्रेट थ्योरी में आते हैं कि आप एक रैशनलाइज कर सकते हो कि सबका ही लॉस हुआ है तो मेरा भी साथ लॉस हो गया। इट्स लाइक यू पीपल, जैसे आपका पेपर होता है तो पेपर अगर सबका बुरा हो तो सारे आप देखें आप भी थोड़े रिलैक्स होते हैं, बाकी सब भी रिलैक्स होते हैं, थोड़े हंस भी रहे होते हैं, खुश भी हो रहे होते हैं कि सारों को गलत हुआ है, मेरा भी साथ ही खराब हुआ है, सबका खराब हुआ है। और आप उस बंदे की सिचुएशन नहीं समझ सकते कि पेपर आसान आ जाए, सबका अच्छा हो और बीच में एक बच्चा है या दो बच्चे हैं जिनका पेपर ठीक नहीं हुआ, किसी वजह से सवाल गलत हो गया, कोई अटेम्प्ट गलत हो गई, किसी तरह गलत हो गया उनका पेपर। नाउ दैट पर्सन हैज अ डेवस्टेटिंग टाइम, उसका बड़ा पूरा टाइम गुजरता है। सो दिस इज द सिचुएशन, एक किस्म का रिग्रेट होता है कि मैंने तैयारी क्यों नहीं की, उस तरह सबका ठीक हो गया मेरा ठीक नहीं हुआ, एक किस्म की रिग्रेट रहता है। इन्वेस्टर्स का भी यही रिग्रेट रहता है, अगर लॉस हुआ सबका हुआ तो ठीक है, वो रिलैक्स है, ठीक है, लेकिन अगर वो खुद से एक डिसीजन करता है तो उसके ऊपर चांसेस ऑफ एम्बेरसमेंट ज़्यादा है, बैड इन्वेस्टमेंट की जो है वो बेइज्जती उसकी ज़्यादा है। तो इन्वेस्टर डिफर सेलिंग स्टॉक that have gone down in value and accelerate the selling of stock that have gone up. ये भी एक किस्म की एक herd behavior के ऊपर बात किया crowd को follow करने के mostly investors जो हैं उनका जो वो selling करने का stock selling करने का जो tendency है वो कम है जब stock की prices कम हो रही हो, जब नीचे जा रहा हो stock तो वो कम बेचते हैं लोग, avoid करते हैं बेचना, लेकिन जब स्टॉक की प्राइसेस ऊपर जा रही हो तो तब इन्वेस्टर्स जो है वो ज़्यादा स्टॉक को सेल करते हैं ताकि गेन कमाएं और खुश हों और लोगों में अपने गेन को रिपोर्ट कर सकें, तो उस सूरत में सेलिंग के ट्रेंड जो है वो ज़्यादा होते हैं। इसकी एग्जांपल इतनी कोई रेलिवेंट नहीं है लेकिन ये एक समझने के लिए बेहतर है कि सेल प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, जो मार्केटिंग के लोग हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
कि वो ये इस बिहेवियर जो ये रिग्रेट थ्योरी का बिहेवियर है, ये इन्वेस्टर्स का जो बिहेवियर है, लोगों का जो बिहेवियर है, इसको कैपिटलाइज करते हैं। वो कैसे कैपिटलाइज करते हैं? वो पहले ऑफर करेंगे आपको इन्फीरियर ऑप्शन, जिसके ऊपर आप उस ऑप्शन को जो है वो अवेल नहीं करेंगे ड्यू टू द ग्रेट कि आप गलत जजमेंट ना कर दो या गलत डिसीजन ना कर दो। उसके बाद जब आप वो ऑप्शन को अवेल नहीं करते तो वो फिर प्राइमरी ऑप्शन आपको देते हैं, और वो प्राइमरी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू द इन्फीरियर ऑप्शन। सो फिर जो इन्वेस्टर है वो ज़्यादा जो है इन्वेस्ट करता है प्राइमरी ऑप्शन के अंदर। ये सेल प्रोफेशनल के एक तरीक़ेकार होता है इस बिहेवियर को मनोवर करने का। द थर्ड थ्योरी इज एंकरिंग। इन एंकरिंग थ्योरी, एंकरिंग इज अ फेनोमेना, एक सिचुएशन है इन विच एब्सेंस ऑफ द बेटर इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स अज्यूम करंट प्राइसेस आर अबाउट राइट। अगर इंफॉर्मेशन ना हो, मार्केट डाटे की इंफॉर्मेशन, प्रीवियस इंफॉर्मेशन, पब्लिक इंफॉर्मेशन और प्राइवेट इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो, तो इन्वेस्टर सोचते हैं जो भी प्राइसेस चल रही हैं मार्केट में वो ठीक प्राइसेस हैं, बिकॉज वही मार्केट एंकर कर रही है आपको, आपको बता रही है, आप वही प्राइसेस को सही समझते हो। एंकरिंग डिस्क्राइब हाउ इंडिविजुअल टेंड टू फोकस ऑन रीसेंट बिहेवियर एंड गिव लेस वेट टू द लॉन्गर टाइम ट्रेंड्स। पिछले ट्रेंड्स को कम वेट देते हैं और करंट बिहेवियर ऑफ द मार्केट को ज़्यादा वेट देते हैं। ठीक है, हम पिछले बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाते, एक महीने पीछे चले जाएंगे, हम सालों पीछे नहीं जाते, कंपनी का बिहेवियर नहीं देखते, उसके स्टॉक का बिहेवियर पीछे से नहीं देखते, हम थोड़े से टाइम पीरियड को देख के उसकी बेस पर जो है वो डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। रीसेंट एक्सपीरियंस एक्सट्रापोलेटिंग रीसेंट ट्रेंड ज़्यादा उनको वेट देता है एंड ऑफन एट ऑड्स विद लॉन्ग रन एवरेज एंड प्रोबेबिलिटीज। लॉन्ग रन एवरेज और प्रोबेबिलिटीज को वो इतना फोकस नहीं करते। इन द एब्सेंस ऑफ एनी बेटर इंफॉर्मेशन past prices are likely to be important determinants of price today. Therefore, anchor is the most recent remembered price. Anchor कौन होता है? जो most recent remembered price है, जो हमें पता है, recent behavior जो हमें पता है, उसकी बेस पे जो decision किए जाते हैं वो sometimes गलत भी साबित हो सकते हैं। So this is anchoring. जो हमें अभी पता है, जो हमें recent information है, उसकी बेस पे जब हम decision करें, हम पीछे history को ना देखें, हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी ना करें पास की, तो फिर हम जो है एंकरिंग के बेस पे बाइसनेस का शिकार हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल आपको दे देते हैं। एक्स वाई जी स्टॉक हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू इन लास्ट ईयर, बहुत अच्छा रेवेन्यू हुआ, कॉजिंग इट शेयर प्राइस टू शूट अप। उसके शेयर प्राइस जो है $25 की थी, लेकिन वो $80 पर शेयर पर चली गई, और उससे क्या हुआ कि कंपनी के मेजर से एक वन ऑफ द कंपनी मेजर कस्टमर्स who contributed 50% of XYZ revenue, उसने decide किया not to renew the purchasing agreement। अब वो further उस company से purchasing नहीं करेगा। अब 50% चूँकि revenue में उसने contribute किया, मतलब 50% उसने चीज़ें खरीदी हैं, purchasing agreement किया हुआ था पिछले साल, अब उसने वो एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया, तो उससे क्या हुआ है, एक्स वाई जी का स्टॉक जो है वो $80 से $40 पे $40 पे जो है वो चला गया। अब अगर हम लोग 25 से $25 से $80 की स्टोरी को नहीं देखते, ये पास्ट इन्फॉर्मेशन को नहीं देखते, और हमारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ यहाँ तक है कि 80 to 40 गया है, मैं ये देख रहा हूँ इन्फॉर्मेशन और उसके बेस पर मैं डिसीजन कर रहा हूँ, क्या होगा? मैंने देखना है कि प्रीवियस हाई $80, स्टॉक की वर्थ जो है वो $80 है, अभी ये $40 पे है। मेरे पास सिर्फ ये दो प्राइसेस की इंफॉर्मेशन है, $25 की इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि $80 से पहले ये $25 पे था। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा और मैं कहूँगा कि ये स्टॉक अंडर वैल्यू है। अब अंडर वैल्यू होने का क्या मतलब होता है? जब इन्वेस्टर देखता है कि स्टॉक अंडर वैल्यू है, वो पोटेंशियल देखता है स्टॉक में। वो पोटेंशियल क्या देखता है कि इसने फ्यूचर में ऊपर जाना है। अब ये जो कमी आई है प्राइस में, ये ड्यू टू फंडामेंटल्स है, टेक्निकल्स नहीं है। फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स जो हैं ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। फंडामेंटल्स हैं जो उसकी बुक्स की वजह से, जो उसकी कंपनी की परफॉर्मेंस की वजह से प्राइस में चेंज आता है, वो फंडामेंटल्स में चले जाते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी की सप्लाई चेन,
कंपनी की एक्सपेंशन की वजह से जो स्टॉक प्राइसेस में चेंज आती हैं वो फंडामेंटल्स की वजह से होती हैं, और टेक्निकल्स जो हैं वो बेसिकली प्राइस ट्रेंड्स की वजह से होते हैं, ट्रेंडिंग, हाउ द प्राइसेस आर ट्रेंडिंग, कि प्राइस बढ़ रही हैं, प्राइस कम हो रही हैं, प्रीवियस प्राइसेस को कैंडल स्टिक्स हम देखते हैं मार्केट के अंदर, मुख्तलिफ लाइन चार्ट चल रहे होते हैं, उन लाइन चार्ट को देख के डिसीजन करते हैं, टेक्निकल्स की बेस पर डिसीजन करते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे मैं इसको देख रहा हूँ एज अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ। 80 पे था, 40 पे आया, मैंने सोचा ये 60 पे तो जाएगा ही, 65 पे तो जाएगा ही, क्योंकि ये तो 80 के वर्थ का स्टॉक है, हालांकि इसकी प्राइस कम हुई है फंडामेंटल की बेस पे, और जब फंडामेंटल की बेस पे कम होती है तो उससे पहले वाली प्राइस देखें तो ये वर्थ है $25 की। अगर आप $25 को देखेंगे तो उस बेस पे ये अभी भी ओवर वैल्यू है स्टॉक, क्योंकि इसकी एक्चुअल वर्थ तो $25 थी, ये ओवर वैल्यू आवा है, ये $40 पे अभी ये ओवर वैल्यू, अभी ये मजीद नीचे जा सकता है, $25 तक जा सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ 80 और 40 देखा है, मेरी नज़र में ये अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू नहीं है, अंडर वैल्यू है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, मैं क्या करूँगा, ये स्टॉक खरीद लूँगा, ठीक है। अब जब ये खरीद लूँगा तो उस सूरत में मुझे मज़ीद नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं एंकरिंग की वजह से, क्योंकि मोस्ट रिसेंट प्राइस को देख रहा हूँ, 80 और 40 को देख रहा हूँ, 25 को मैंने नहीं देखा, उसकी बेस पे मैंने डिसीजन कर दिया कि अंडर वैल्यूड है, फ्यूचर में ऊपर जा सकता है, उसकी बेस पे मैंने स्टॉक खरीद लिया है, हो सकता है ये स्टॉक मज़ीद नीचे जाए, 20 तक चला जाए, 25 तक चला जाए, और मुझे $15 का नुकसान हो जाए। सो दिस इज़ द थिंग जो एंकरिंग की वजह से हम लोग बायसनेस का शिकार हो सकते हैं, बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर इन द मार्केट। ओवर एंड अंडर रिएक्शन, द मोस्ट रोबस्ट फाइंडिंग, जो सबसे बेहतरीन फाइंडिंग इन द साइकोलॉजी ऑफ जजमेंट नीडेड टू अंडरस्टैंड द मार्केट एनोमलीज इज ओवर कॉन्फिडेंस। आप मार्केट के अंदर चेंज, एनोमलीज का मतलब है मार्केट के अंदर बहुत बड़ी खराबियां, मार्केट के अंदर चेंज, वॉलिटिलिटी, अबनॉर्मल चेंज, उसकी बड़ी वजह क्या है, साइकोलॉजी ऑफ जजमेंट, वो है ओवर कॉन्फिडेंस, लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर का ओवर कॉन्फिडेंस। People tend to exaggerate their talent, अपने talent को वो exaggerate करते हैं, वो बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, अपने talent होता नहीं लेकिन वो अपने, वो समझते हैं कि वो बाकी सबसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, ठीक है। इन ग्रुप बायस भी इसको कहते हैं, कि हम कहते हैं कि हमारा ग्रुप जो है उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, जबकि बाकी ग्रुप जो हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। इन ग्रुप बाय, ओवर कॉन्फिडेंस बायस भी इसे कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस बायस के जो मैं सोच रहा हूँ वो बाकी सबकी सोच से काफ़ी बेहतर है, ये ओवर कॉन्फिडेंस बायस होता है इसके अंदर। एंड अंडर एस्टिमेट द लाइकलीहुड ऑफ बैड आउटकम्स, कि जब हम लोग अपने टैलेंट को एग्जैजरेट कर देते हैं तो हम अंडर एस्टिमेट करते हैं बैड आउटकम्स की लाइकलीहुड को, हम कहते हैं कि बुरी आउटकम हो ही नहीं सकती जो हमारा डिसीजन है, और हम उन सिचुएशन को जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है उनको भी हम एस्टिमेट नहीं कर पाते, तो जब हम लोग अपने टैलेंट को एग्जैजरेट कर रहे होते हैं। द ग्रेटर कॉन्फिडेंस अ पर्सन हैज़ इन हिमसेल्फ द मोर रिस्क देयर इज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, जितना उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना इज नॉट दैट गुड, कॉन्फिडेंस इज गुड बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखें, अपनी एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी एबिलिटीज़ को एग्जैजरेट ना करें, रैशनली सोचें कि वेयर यू स्टैंड एंड व्हाट यू नीड टू डू टू इम्प्रूव योरसेल्फ, ठीक है। जब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं, तो उस सूरत में ना सिर्फ आप अपने टैलेंट को एग्जैजरेट करते हैं बट नई न्यू फाइंडिंग्स, नई चीज़ें समझने से भी कासिर हो जाते हैं, दूसरे लोगों से नहीं सीखते आप, उनकी गलतियों से नहीं सीखते आप, उनकी किसी 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 की बात नहीं समझते आप, उसको इतना वैल्यू नहीं देते, क्योंकि आप, आपके नज़दीक सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन ही सब कुछ है, आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि कोई और बंदा अगर आपको कोई अच्छी बात भी बता रहा है, कोई सही बात भी बता रहा है, कोई आपके टैलेंट में इजाफा भी कर रहा है, आपके नॉलेज में इजाफा, तो आप उसके सामने अपना एक साइकोलॉजिकल बार लगा देंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आप समझते हैं कि वो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है, सबसे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है और सबसे ठीक इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, दिस इज़ ओवर कॉन्फिडेंस।
मैनेजर ओवर एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, इन पर्टिकुलर व्हेन दे थिंक देमसेल्व एज एक्सपर्ट। मैनेजर समटाइम अपने ओवर एस्टिमेट करते हैं सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को, जब वो ऐसा सोचेंगे वो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, और लर्निंग की चांसेस ख़त्म कर दें अपने अंदर से। तो मैनेजर्स में समटाइम ओवर एस्टिमेट करते हैं। पीपल टेंड टू बिकम मोर ऑप्टिमिस्टिक एंड द मार्केट गोज अप। ये किस्म का इसका क्रक्स है कि लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं जब मार्केट जो है ऊपर जा रही होती है, एंड मोर पेसिमिस्टिक व्हेन द मार्केट गोज डाउन, और बहुत पेसिमिस्टिक हो जाते हैं जब मार्केट नीचे जा रही होती है। उस टाइम पे वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते और उस टाइम पे वो उनकी फीलिंग जो है पेसिमिस्टिक हो जाती है। इसकी एग्जांपल ऐसे मैं दूंगा, वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज इन्वेस्टिंग इन अ फॉरेक्स मार्केट एंड इन वन डे ही मेड 100% गेन इन हिज इन्वेस्टमेंट। लाइक मैं एग्जांपल दूंगा, 10,000 उसने इन्वेस्ट किया और 20,000 उसने एक दिन में कमा लिया, 20,000 तक ले गया। नाउ ही ओवर एस्टिमेट और बिकम ऑप्टिमिस्टिक, द मार्केट इज गिविंग हिम सो मच मनी दैट ही स्टार्टेड टू मेक इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिज पर्सनल जजमेंट्स, और समटाइम जजमेंट्स आर नॉट दैट गुड, और उसके अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस भी आ गया, ठीक है, एंकरिंग भी आ गया, एंड लास्टली जो है वो इस सिचुएशन में आ गया जब उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नीचे जाती की, तो वो ये अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर सका कि उसकी जजमेंट गलत हो सकती है, एंड ही बिकॉज ऑफ द एम्बेरसमेंट, लाइक लास्ट थ्योरी रिग्रेट थ्योरी, इसके ऊपर भी बात करते हैं, तो उस बेस पे कि वो उसको रिग्रेट ना हो इस चीज़ का, एम्बेरसमेंट ना हो लॉस की, एंड ही शुड हैव अ गुड स्टोरी दैट फॉरेक्स मार्केट हैज़ गिवन हिम लॉट ऑफ मनी बट इट वॉज नॉट ट्रू, सो हिज इन्वेस्टमेंट वॉज लिवर्ड, लिवरेज इन्वेस्टमेंट थी। तो जैसे ही वो कम हुई तो ही टोटल इन्वेस्टमेंट वैनिश फ्रॉम द मार्केट एंड ही लॉस्ट ऑल द मनी विद गेन्स, जो प्रीवियस डे उसने गेन किया था, नेक्स्ट डे गेन प्लस हिज ओन इन्वेस्टमेंट टोटली वेंट वैनिश्ड, सो उसमें उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सो ये ओवर एंड अंडर रिएक्शन होते हैं। तो पीपल टेंड टू बिकम मोर ऑप्टिमिस्टिक व्हेन द मार्केट गोइंग अप, और ज़्यादा पेसिमिस्टिक होते हैं जब मार्केट जो है वो नीचे जा रही होती है, उस टाइम पे वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने नहीं करते। सो एक एग्जांपल है, इन अ मंथ ऑफ मे 2008 व्हेन सेंसेक्स वाज टचिंग 22,000 पॉइंट्स, स्टिल इन्वेस्टर्स आर प्रेडिक्टिंग दैट इट विल टच 25,000 और 30,000 पॉइंट विदाउट रियलाइजिंग इट एज द एक्सट्रीम सिचुएशंस। सो 2008 में फिर एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन आई और उसमें फिर टोटल सारी मार्केट जो है वो नीचे चली गई। ऑप्टिमिस्टिक थे वो लोग लेकिन उनको लॉस फेस करना पड़ा, और ऑप्टिमिस्टिक होने के बाद अब फिर टोटल मार्केट जो है वो डाउन चली गई। सो देर आर सर्टन सिचुएशन, 2008 में एक बबल क्रिएट हुआ, हमारे भी यहाँ पर एक बबल क्रिएट हुआ था 2016 तक, व्हेन मार्केट वेंट टू 51,000 अबाउट 50,000 पॉइंट्स, बहुत ऊपर चली गई थी, एक बबल क्रिएट हुआ। अब वो बबल कैसे क्रिएट होता है, सो आई एम गोइंग टू टेल यू, एक साइकिल चलता है। सबसे पहले प्राइस इंक्रीज होती है, ओवर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है इन्वेस्टर। जब ऑप्टिमिस्टिक होता है तो प्राइसेस इंक्रीज होने के साथ मजीद स्टॉक को खरीदता है, जब स्टॉक को ख़रीदता है मार्केट से, तो जब मार्केट से स्टॉक ख़त्म होता जाएगा तो डिमांड मज़ीद बढ़ती जाएगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अब प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही है, मार्केट जो है ऊपर जा रही है, तो एक बबल की फॉर्मेशन बन रही है। अब ये सिर्फ मार्केट, ये फंडामेंटल की बेस पर नहीं हो रहा, अगर ये फंडामेंटल की बेस पे हो रहा होता तो मार्केट जैसा परफॉर्म कर रही है मार्केट की अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की वजह से, उसके एनुअल रिपोर्ट्स की वजह से एक प्राइस इंक्रीज हो रही होती। लेकिन ये जो प्राइस इंक्रीज हो रही है सिर्फ मार्केट के इन्वेस्टर्स के हर्डिंग की वजह से, इन्वेस्टर्स के बाइसेस की वजह से, इन्वेस्टर की सोच की वजह से कि मार्केट इंक्रीज कर रही है, वो ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, वो मजीद स्टॉक खरीद रहे हैं, एक बबल बन रहा है जो फंडामेंटल नहीं है, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर है।
तो प्राइस इन्फ्लेट कर रही है, बबल बन रहा है। अब वो बबल क्या होगा, वो बस्ट होगा, क्योंकि वो उसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, वो फंडामेंटल की बेस पे नहीं है, कंपनी की अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं है, बट इन्वेस्टर्स की बाइंग बिहेवियर की वजह से वो बबल फॉर्म हुआ। तो वो बबल क्या होगा, वो ब्रेक होगा, वो बस्ट होगा, और जब वो बस्ट होगा इसका मतलब है प्राइसेस नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। जब प्राइसेस नीचे जाना शुरू होंगी अब क्या होगा, मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशन हो जाएगी। पैनिक सिचुएशन क्या होगी कि लोग कहेंगे कि स्टॉक को सेल करना शुरू कर देंगे मार्केट में, जैसे ही डिमांड एंड सप्लाई होगा सेल करेंगे, मार्केट में स्टॉक ज़्यादा आएगा, डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, प्राइसेस कम होना शुरू हो जाएंगे, प्राइस डिफ्लेशन होगा, प्राइस डिफ्लेशन होगा तो आपके पास डिप्रेशन आ जाएगा। सो ये ना सिर्फ स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है बल्कि इकोनॉमी से रिलेटेड भी इसी तरह ही बबल्स क्रिएट होते हैं और बबल फिर ब्रेक होते हैं। स्पेकुलेटिव बबल्स के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स होते हैं, कल्चरल फैक्टर्स होते हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के अंदर आपके पास इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कई चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। स्ट्रक्चर मतलब न्यू टेक्नोलॉजी आपके पास आई है, आप पहले देखें तो स्टॉक मार्केट के अंदर लोग जाते थे टेलीफोन के जरिए, ब्रोकर्स को कॉल करते थे, ब्रोकर्स उनका स्टॉक बेचता था, काफ़ी टाइम लगता था। अब क्या है, आपके कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल फोन्स के ऊपर जो आपको एप्लीकेशंस हैं, आप बैठे बैठे जो है मार्केट की सिचुएशन की बेस के ऊपर अपना स्टॉक खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। दिस इज जस्ट ऑन द टिप ऑफ योर फिंगर नाउ, ट्रेडिंग इज ऑन द टिप ऑफ योर फिंगर राइट नाउ। कल्चरल चेंजेस आ जाती हैं, वो भी स्ट्रक्चर को चेंज करती हैं, जैसे आपका कल्चर चेंज होता है आपकी पूरी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, आपकी मार्केट्स का स्ट्रक्चर चेंज स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है। बेबी बूम्स ये एक सिचुएशन है जहाँ पर यंग पीपल आर मोर एंड ओल्ड पीपल आर लेस, सो यहाँ पर क्या होता है, एंड यंगर पीपल आर मोर ऑप्टिमिस्टिक, दे टेंड्स टू मेक मोर रिस्की डिसीजन एज कम्पेयर टू ओल्डर पीपल, दे आर मोर सेवर्स एंड यंगर पीपल आर मोर स्पेकुलेटर्स एंड मोर स्पेशलिस्ट, दे वॉन्ट टू मेक इन्वेस्टमेंट्स एंड वॉन्ट टू गेन इन शॉर्ट टाइम। और जो अगर ओल्डर पीपल होंगे वो ज़रा सेवर्स होंगे, वो थोड़ी थोड़ी पैसों में भी खुश रहेंगे। ऑप्टिमिस्टिक एनालिस्ट जितने ज़्यादा होंगे उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बनता है मार्केट का। म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशंस जितनी ज़्यादा होंगी, पेंशंस जो हैं वो बहुत लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी एसेट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। जितना ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में ट्रेंड होगा, पेंशंस में इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड होगा, मार्केट का स्ट्रक्चर वैसे ही होगा, सेफ साइड पे होगा मार्केट का स्ट्रक्चर। जितना ही नहीं होगा रिस्क की तरफ, रिस्की इन्वेस्टिंग फॉरेक्स मार्केट की तरफ होगा, कमोडिटीज़ की तरफ होगा, स्टॉक्स की तरफ होगा, तो उस तरह स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो गया। इतने स्ट्रक्चरल फैक्टर्स क्या, आपकी मार्केट म्यूचुअल फंड की कितनी स्ट्रॉन्ग है, पेंशन फंड्स की मार्केट कितनी स्ट्रॉन्ग है, इन्फ्लेशन, हाउ इन्फ्लेशन प्ले इन योर इकोनॉमी, हाउ दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ज़्यादा है कम है, अगर कम है तो आपकी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में ज़्यादा है तो लोग किस तरह मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, कम इन्वेस्टमेंट करेंगे या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिपेंड्स। अब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या ट्रेंड है इकोनॉमी में, लोगों का रुझान ज़्यादा है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है स्टॉक मार्केट की तरफ, पेपर स्टॉक्स की तरफ या ज़्यादा रियल इस्टेट की तरफ है। तो अगर स्टॉक मार्केट की तरफ ज़्यादा रुझान है, लोग ज़्यादा समझते हैं स्टॉक मार्केट को, तो वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ज़्यादा होगा, उधर का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा। राइज इन द गैम्बलिंग अपॉर्चुनिटीज़, अब फॉरेक्स मार्केट मोस्टली यू ऑप्शंस, बाय एंड सेलिंग ऑप्शंस, बिटकॉइंस, दीज काइंड ऑफ थिंग्स क्रिएट अ गैम्बलिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन द इकोनॉमी। सो हाउ योर मार्केट इज स्ट्रक्चर्ड बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, कि अगर ज़्यादा गैम्बलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पीपल आर टेंड्स टू मेक मोर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स दैन पीपल आर मेकिंग सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स। सो ये भी अपॉर्चुनिटीज़ का भी होना, लाइक हम यहाँ पर बैठकर कई ऐसी मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जहाँ पर गैम्बलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, जैसे ऑप्शन मार्केट में हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, कमोडिटी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे कम हैं एज कम्पेयर टू फॉरेन मार्केट्स। फॉरेन मार्केट्स में बहुत ईजीली यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट्स एंड यू हैव बैंकर्स जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वी हु कैन सपोर्ट दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज सच एज they have Skrill,
दे हैव पेपॉल, तो वहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम हैं पाकिस्तान के अंदर। कल्चरल फैक्टर्स के अंदर आपके पास आपका कल्चरल कैसे फाइंड होता है, फॉर्म होता है, सबसे पहले तो मीडिया, मीडिया आपके कल्चरल को शेप करता है, किस तरह वो स्पेकुलेटिव प्राइस मूवमेंट की एडवर्टाइजमेंट करता है, प्रोपोगेट करता है, किस तरह वो इंटीग्रेट करता है पार्ट ऑफ द मार्केट इवेंट्स को, किस तरह वो मार्केट में इस इंफॉर्मेशन को पोर्ट्रे करता है, जिस तरह भी वो पोर्ट्रे करेगा लोग वैसे ही डिसीजन करेंगे। डू स्टॉक प्राइसेस चेंज ऑन डेज विद अ बिग हेडलाइंस, डेफिनेटली आपका मीडिया लोगों के साइकी पे कैसे, इन्वेस्टर की साइकोलॉजी को कैसे इम्पेक्ट करता है। डेफिनेटली अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है, और पाकिस्तान के अंदर मीडिया इंफॉर्मेशन स्टॉक प्राइसेस को भी चेंज करती हैं, ठीक है। तो जिस तरह मीडिया से ही इंफॉर्मेशन प्राइसेस के इंक्रीज होने की, डॉलर के महंगे होने की इंफॉर्मेशन आई, तो डॉलर मज़ीद महंगा होता है, लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो होर्डिंग शुरू कर देते हैं डॉलर की, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उसको ख़रीद के रखना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या होता है प्राइसेस मज़ीद प्राइसेस पे प्रेशर पड़ता है, मज़ीद रुपए पे प्रेशर पड़ता है, और वो ज़्यादा जो है वो फिर रुपया जो है वो सस्ता जो है वो अपनी वैल्यू डिप्रिशिएट होती है रुपए की अगेंस्ट डॉलर। द न्यू इकॉनमी, लो इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डेफिनेटली आपकी हर इकोनॉमिक फेज में डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। बूम ईयर 1960, बूम ईयर 1990 अमेरिका के परस्पेक्टिव से बात करें, न्यू इकोनॉमिक एरा में जो है स्टॉक मार्केट्स किस तरह बिहेव कर रही हैं, हम लोग स्टॉक मार्केट के बिहेवियर को चेक कर सकते हैं। जिस तरह अभी हम लोग तब्दीली का जो कह रहे हैं, तब्दीली गवर्नमेंट जो उसमें स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, पिछले रिजीम्स में कैसा परफॉर्म कर रही थी, नई इकोनॉमिक डिसीजंस में कैसा परफॉर्म करेगी, तो ये सारे जो हैं ये कल्चरल, तो ये जिस सारी चीज़ें कल्चर को जो है रिप्रेजेंट करती हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट के, और साइकोलॉजी ऑफ द इन्वेस्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर जो इन्वेस्टर्स के अपने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उनमें एक्सपेक्टेशंस एंड इमोशंस, मार्केट को रिपीट द परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस को रिपीट करेगी, साइकोलॉजिकल फैक्टर है। इमोशनल स्टेट ऑफ इन्वेस्टर्स के, इन्वेस्टर्स के इमोशनल स्टेट भी फैक्टर्स को, ये भी आपके बबल बूमिंग और ये जो आपका स्पेकुलेटिव बबल्स बनते हैं इनमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं कि मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी होगी और इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस कैसी होंगी। पर्सनल एक्सपीरियंस, फर्स्ट ट्रेड एक्सपीरियंस अगर किसी बंदे का अच्छा हो तो डेफिनेटली ही विल ट्राई इट अगेन, नेक्स्ट टाइम ही विल गेन लॉस, देन हाउ ही बिहेव व्हेन देयर इज़ अ लॉस, सो दीज आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के लॉस और गेंस जो है। फर्स्ट ट्रेड एक्सपीरियंस कैसा है, अगर फर्स्ट ट्रेड एक्सपीरियंस बहुत बुरा है देन देर मे बी नो इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर। सक्सेसफुल मार्केट पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, अगर ज़्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट्स स्पेशलिस्ट हैं और ज़्यादा वो मार्केट को समझते हैं और सक्सेसफुल हैं इस मार्केट में, दे मे बी मोर एस्टेब्लिश्ड मार्केट, मोर स्ट्रॉन्ग मार्केट एज कम्पेयर टू अदर मार्केट। सो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में ये मेन फैक्टर्स आपके सामने आ जाते हैं जो स्पेकुलेटिव बबल को बनाते हैं। तो दीज आर स्पेकुलेटिव बबल्स फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके स्पेकुलेटिव बबल्स में, दीज बबल्स फॉर्म्स एंड बर्स्ट एंड दिस इज साइकिल विच फॉर्म्स। सो दिस इज अ बिट ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट बिहेवियरल फाइनेंस। मच ऑफ द रिसर्च हैज़ बीन गोइंग ऑन इन दिस फील्ड, और यू कैन टेक दिस topic for your research project as well in future when you are going to do some projects, so you can have this project and it is very good project and very 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 much topics, there are too much topics here which you can explore in this field in speculative bubble and behavioral finance. So thank you very much, this is all about today's lecture.